hi everyone, my name is pooja rawat and i'm taking this series of current affairs on the agriculture and rural development for the upcoming nabard examination. this is the seventh session and those who haven't watched the previous sessions, do watch them. these are very important. also, today's questions have been framed from the nabard bankable projects and a lot of people were asking where can they get access to these reports so these are available on the nabard official websites in case you want to check them. you can go to their uh, websites and download these reports and you can read them. right. so let's start our session. Uh, those who haven't subscribed to our channel, kindly do that and press this bell icon for the latest updates. you can also uh, join our telegram channel to get access to the free quizzes and you can also post your queries there. This is the first question of today's session, and it says, Consider the following statement regarding the Small Farmers Agribusiness Consortium. So, first statement says, It is a registered society functioning under the Department of Agriculture and Cooperation. So, absolutely correct, it is a society and it is autonomous in nature. Second statement says, It promotes agribusiness development. थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस वेंचर कैपिटल असिस्टेंस एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटीज ठीक है तो क्या करते हैं जो भी एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट करती है थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस सो वी सी ए क्या होता है वी सी एज बेसिकली अडिट बेस्ड असिस्टेंस अ लोन बेस्ड असिस्िस्टेंस जो होता है वो होता है एंड एस एफ ए सी जो होती है वो जो भी एग्रीकल्चर एंटरप्रन्यर्स होते हैं वाइल इंप्लीमेंटिंग देर प्रोजेक्ट्स इफ दे मीट समॉर्ट फॉल and the money so SFAC provide that right so this one is also correct the correct option here is C that is both 1 and 2 so this is about SFAC it's an exclusive society focused on increasing income of small and marginal farmers through aggrega aggregation and development of agri business Take तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करती है इट बेसिकली प्रोवाइडेंस टू एफ पी ओ और एफ पी सी वर दिज आर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ठीक है ये क्या होता है बेसिकली एफ पी ओज होती है फार्मा uh, का कंसोर्टियम होता है जिसमें कि हंड्रेड टू थाउजेंड फार्मर्स का ग्रुप है एंड दे कलेक्टिवली रन एंड एंटरप्राइज ठीक है सो दिस इज प्रोग्रेसिव टूवर्ड स्टैब्लिशिंग एन इको फॉर एफ पी ओ एंड एफ पी सी टू मेक सस्टेनेबल एंड वाइबल इन द लॉन्ग रन ठीक है तो ये असिस्टेंस देते हैं एंड हाउ इट सपोर्ट दो देर आर वेरियस स्कीम्स अंडर एस एफ ए सी दैट इज अ स्मॉल फार्मर इंसोटियम फर्स्ट वन इज इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम टू द एफ पी सीज टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सो जो इसका इक्विटी ग्रांट वाला कॉम्पोनेंट है इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग ठीक है जो फार्मर की शेयर होल्डिंग है इन एफ में इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड पार्ट इज द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। तो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बेसिकली जो भी एलिजिबल लेंडर्स हैं, ई जो भी एलिजिबल लेंडर्स है उनको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है कि इनकेस दे प्रोवाइड लोन्स टू दीज फार्मर्स

सो दिस वन इज एडिड फॉर वैल्यू एडिड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग लिंकेजेस तो प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद आपको अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो दैट इज फुलफिल थ्रू वी सी ए स्कीम देन इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नैम प्लेटफॉर्म ई नैम प्लेटफॉर्म क्या है इट्स अ बेसिकली अफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ठीक है तो दिस इज अबाउट ई नैम

वहीं से ये क्वेश्चन uh, जो है फ्रेम किया गया है सो इट कैन बी आस्ट रिमेंबर दीज वराइटीज करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी दैट इज ऑल ऑफ अबव दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द इंडियन पेसी कल्चर इंडियन पेसी कल्चर क्या होता है ये इट्स अबाउट फिश फार्मिंग ठीक है एक्वाकल्चर से कैसे डिफरेंस है एक्वाकल्चर में क्या आता है एक्वाकल्चर इट्स बेसिकली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे ठीक so है क्रिस्टेशन मोलस्क फिशेस एंड प्रेसिकल्चर इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन फिश फार्मिंग सो फर्स्ट थिंग ये है ये क्लियर रखना ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ कहता है प्रेजेंटली एज इन ट्वेंटी एटीन नाइनटीन Only 58% of inland fisheries and 71% of marine fisheries potential is harnessed. So, inland uh, fisheries 58% tap and marine fisheries 71% se tap. Kar so, there is a lot of untapped potential in the fishing sector uh, uh, presently in India. So, this one is correct. Second statement says the blue revolution is associated with the sustainable development of fisheries sector. सो ब्लू रेवोल्यूशन में भी क्या है यही सब है ब्लू रेवोल्यूशन पूरा कल्चर बेसिकली प्रमोट करने की बात करते हैं एंड दिस इज अ पार्ट फिजिकल्चर वुड बी अ पार्ट अंडर दैट ठीक है तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट दिस इज एसोसिएटेड विद फिशरीज सेक्टर देन दर्ड स्टेटमेंट सेवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एफ आई डी एफ एफ आई डी एफ इज वॉट इट्स फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड सो दिस इज अ डेडिकेटेड फंड क्रिएटेड

ठीक है अगर मेन लैंड इंडिया की अगर हम बात करें मेन लैंड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दिस वन इट्स अराउंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर और अगर आप आइलैंड uh, का कोस्ट लाइन भी इंक्लूड uh, कर देते हैं मेन लैंड प्लस इंडियन आइलैंड दैट इज द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार दिस वुड कम अराउंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर रफली अराउंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर सो इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड अ वेरी लार्ज पोटेंशियल फॉर द फिशिंग सेक्टर प्रेजेंटली ये हमने पढ़ लिया ओनली फिफ्टी एट परसेंट ऑफ इन्ड फिशरीज एंड सेवेंटी वन परसेंट ऑफ मरीन फिशरी पोटेंशियल हारनेस्ड ठीक है लाइवलीहुड की बात करें तो प्रेजेंटली इट्स प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू सिक्सटीन मिलियन फिशिंग कम्युनिटी वेरी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एंड इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो वलरेबल सेक्शन के होते हैं पुअर सेक्शन के लोग होते हैं विमेन को है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फिशिंग सेक्टर समहाउ इ योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्कीम्स ठीक है तो क्या प्रमोट कर रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट कर रहा है विमेन इम्पावरमेंट प्रमोट कर रहा है ठीक है रीजनल इम्बेलेंस को रिड्यूस uh, कर रहा है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू बूस्ट द फिश प्रोडक्शन थ्रू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दिस फंड वर्द सेवन फाइव टू टू करोड़ इन ट्वेंटी एटीन ठीक है दिस इज अ डेडिकेटेड फंड वर्द 7,522 crore, which was created in the year 2018. Remember this also. Now, to bring out the blue revolution through sustainable development of fisheries, Pradhan Mantri Matsa Sampada Yojana was launched. So, this is a dedicated scheme for the fishing sector, and this was launched in September 2020. It has two main objectives, two main uh, aims. Hai. First one is टू इन्हांस फिश प्रोडक्शन ठीक है तो फिश प्रोडक्शन को इन्हेंस करना है टू ट्वेंटी टू मिलियन टन बाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो नेक्स्ट फाइव ईयर्स में ट्वेंटी ट्वेंटी में यह लॉन्च किया है एंड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इट टारगेट्स टू इन्हेंस फिश प्रोडक्शन टू ट्वेंटी टू मिलियंस द सेकेंड टारगेट इज़ टू जनरेट फिफ्टीन लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है तो पंद्रह लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है फ़िशिंग सेक्टर के अंडर तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके अंदर ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन सेज ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्टिंग साइट फॉर फिश फार्मिंग ठीक है अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फिश फार्मिंग करनी है इस एंटरप्राइज में घुसना है सेक्टर में घुसना है तो आपको एक साइट सिलेक्शन करना होगा ना एक लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड बी कंसीडरिंग थिंकिंग ऑफ फिश फार्मिंग फर्स्ट वन हेयर इज सॉइल टाइप एंड पी एच ऑफ सॉइल तो सॉइल का टाइप क्या है और पी एच क्या है सॉइल का ठीक है दिस इज करेक्ट तो कोशिश की जाती है कि जो सॉइल है वो थोड़ा क्लेई नेचर की हो ठीक है क्लेई नेचर में क्या होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी है ना और हम नहीं चाहते कि अगर हम कोई पॉन्ड क्रिएट करें और जो सॉयल uh, है वो अगर सैंडी नेचर की होगी तो इट कुड नॉट होल्ड इट वुड नॉट बी एबल टू होल्ड वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो सॉइल टाइप शुड बी क्ले इन नेचर एंड द पी एच ऑफ सॉयल शुड बी एल्कलाइन ठीक है तो एल्कलाइन सॉयल नेचर होना चाहिए उसका तो इट इन्हांसेज द प्रोडक्टिविटी सो दिस इज राइट सेकेंड स्टेटमेंट हेयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी वाटर विद डेप्थ ऑफ वन पॉइंट टू मीटर शुड बी maintained थ्रू आउट द कल्चर पीरियड ठीक है तो जिस टाइम पे आप फार्म फिश फार्मिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए दैट शुड बी गुड इट शुड बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन एंड द डेप्थ ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव मीटर शुड बी मेनटेन सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट हेयर इज सरफेस और ग्राउंड वाटर सप्लाई सोर्स तो ठीक है पानी का एक सोर्स होना ही चाहिए अगर आपके आपने एक रिजर्वायर क्रिएट किया है विद टाइम क्या होता है डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होगा ठीक है तो डिजोल्ड ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उसको मेंटेन करने के लिए देयर विड बी अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ वाटर सो कुछ कुछ पीरियड के टाइम पे इंटरवल uh, के बाद जो वाटर है इट शुड बी एक्सचेंज सो यू नीड अ फिक्स सप्लाई सोर्स ऑफ वाटर सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑल ऑफ दिज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द ऑप्शन

कमर्शियली अवेलेबल बनाना है तो उसको मार्केट तक भी पहुंचाना होगा सो यू विल बी नीडिंग ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटीज एंड गुड रोड्स एक्सेस टू रोड्स सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन द साइट सिलेक्टेड शुड बी फ्री फ्रॉम रेगुलर अक्रेंस ऑफ हाई फ्लड्स एंड पोल्यूशन तो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए क्वालिटी वाटर चाहिए हमें एंड शुड बी फ्री फ्रॉम हाई फ्लड्स जिसकी वजह से क्या वो इनंडेशन ना हो सो दीज आर दंडीशन दिन द साइट सेलेक्टेड शुड ऑल्सो है ग्राउंड वाटर सप्लाई सोर्स जैसे कि हमने डिस्कस करी लिया है फॉर फिलिंग एंड फॉर वाटर एक्सचेंज इन केस ऑफ नीड ना द वेटलैंड हैंग वाटर एक्यूमुलेशन फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर कुछ वेटलैंड होते हैं जो रेनी सीजन में वहां पर क्या होता है वॉटर जो होता है वो एक्यूमलेट हो जाता है सो दीज कैन ऑल्सो भी डेवलप्ड फॉर पॉन्स एट अ लोअर कॉस्ट ठीक है तो ऑलरेडी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे वाटर कलेक्ट हो रहा है रेनी सीजन में सो so, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसको पॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है सो दिस इज दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सीरीज एंड इट सेफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग पॉपुलर सो पॉपुलर ट्रीज आई होप आपने देखे होंगे एंड there was a report on the popular trees growing uh, popular trees so first uh, statement here is what is necessary loam to sandy loam deep fertile and well drained soil the soil jo hai, uh, for the growth of popular what kind of soil you need it should be loamy loamy to sandy loam Ab loam many uh, last lecture mein bhi tha. last series mein loam, kya hai? loam is a mixture of sand प्लस क्ले ठीक है एंड द परसेंटेज इज फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी तो क्ले कम होता है और सैंड और सिल्ट जो होता है वो फोर्टी फोर्टी परसेंट होता है तो इट भी लोमी टू सैंडी लोमी मे भी जो सैंड का कॉन्टेंट है कंपोजिशन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो मतलब तो फिफ्टी हो जाए फिफ्टी परसेंट हो जाए या सिक्सटी परसेंट हो जाए ठीक है क्ले कम रहेगा लोमी टू सैंडी लोमी डीप फर्टाइल होनी चाहिए एंड वेल ड्रेन होनी चाहिए यानी वाटर क्लॉगिंग यहां पर नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट इज एरिड एरिया दिस इज रॉन्ग है तो पॉपुलर के जो ग्रोथ के लिए सब ट्रॉपिकल uh, जो क्लाइमेट होता है दैट इज द बेस्ट एरड सेमी एरड एरिया में ऑप्टिमम कल्टिवेशन नहीं हो पाएगा सो दिस इज रॉन्ग हेयर थर्ड स्टेटमेंट से डिस्टेंस शुड बी कैप्ट एज एट्टी सेंटीमीटर रो टू रो एंड सिक्सटी सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट तो देखिए जब आप पॉपुलर का कल्टिवेशन करेंगे उसको लगाएंगे तो देर वुड बी दीज काइंड ऑफ रोज आप लगा रहे हैं यहाँ पे ट्री लगा रहे हैं ठीक है तो इन रो के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये वाली डिस्टेंस, 80 सेंटीमीटर, ठीक है और ट्री के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए प्लांट टू प्लांट दैट शुड बी 60 सेंटीमीटर ठीक है तो आई हे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है रो टू रो रो के बीच में डिस्टेंस एंड ट्रीज के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो सिक्सटी सेंटीमीटर होगी ठीक है तो दिस इज फॉर ऑप्टिम कल्टिवेशन ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे रोज के बीच में 80 सेंटीमीटर की जगह अगर 60 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस रहती है तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो सकता है बट दिस इज फॉर दी हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी सो सेकेंड स्टेटमेंट हेयर वॉज करेक्ट रॉन्ग सो फर्स्ट ऑप्शन वॉज रॉन्ग थर्ड द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज द फर्स्ट एंड थर्ड सो दिस इज अबाउट पॉपुलर पॉपुलर ग्रोज वेल इन दब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ठीक है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जैसे कि पहले मेंशन किया है मैंने विद द टेम्परेचर आर नॉट टू सीवियर ठीक है तो एरिड एरियाज में नहीं होगा क्योंकि द शुड शुड नॉट 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 बी बी एट एक्सट्रीम टू टू मच कोल्ड हॉट इट सब ट्रॉपिकल एरिया एरियाज में जो होगा क्लाइमेट जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा वहीं इसका ऑप्टिमम कल्टिवेशन या हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव होगी देन इट रिक्वायर्स लोम टू सैंडी लोम डीप फर्टाइल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट शुड बी वेल ड्रेन्ड विद श्योर इरीगेशन इरीगेशन फैसिलिटीज जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए इट रिक्वायर अ रेगुलर इरीगेशन फ्रॉम टाइम टाइम टू टाइम एंड द स्प्रिंग्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेट फ्रॉस्ट तो फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए इट डज़ नॉट परफॉर्म वेल ऑन सलाइन एल्कलाइन ड्राई सैंडी सो ऑल दीज काइंड ऑफ सॉइल्स अगर होंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म दैट वेल द डिस्टेंस शुड बी कैप

So, as soon as you are done with planting, you need to provide irrigation and you need to provide water to these plants. So, this is it with today's session. I hope you like it, liked it. And in case you have any queries, you have any problems, you can post it down and you can also post it on our Telegram channel. We'll uh, try to reciprocate. And uh, thank you so much. We'll see you in the next session.